टू आवर यूट्यूब चैनल अनोखा पोस्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे दूध के बारे में कि क्या वाकई जो दूध हम पीते हैं वो 100% दूध ही है। वैसे देश में बिकने वाला 68% दूध और दूध से बना प्रोडक्ट मिलावटी है। ये सुनकर शायद आप चौंकेंगे पर सच यही है। यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की ओर से तय मानकों से कहीं भी मेल ही नहीं खाता। मिलावट वाले करीब 89% प्रोडक्ट में एक या दो तरह की मिलावट होती ही है। देश में दूध का कुल उत्पादन 14.68 करोड़ लीटर रोजाना रिकॉर्ड किया गया, जबकि देश में दूध की प्रति व्यक्ति खपत 480 ग्राम प्रतिदिन है। सीधे तौर पर यह गैप करीब 68% का ठहरता है। उत्तरी राज्यों में मिलावट के मामले ज़्यादा हैं। अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तरी राज्यों में दूध में मिलावट के ज़्यादा मामले सामने आए हैं। दूध में मिलावट को लेकर कुछ साल पहले देश में एक सर्वे हुआ था। इसमें पाया गया था कि दूध को पैक करते वक्त सफाई और स्वच्छता दोनों से खिलवाड़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली चीज़ यह है कि दूध में डिटर्जेंट की सीधे तौर पर मिलावट पाई गई है। अभी यह मिलावट सीधे तौर पर लोगों की सेहत के लिए ख़तरा है। इसके चलते लोगों के शारीरिक अंग काम करना बंद कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूध में मिलावट के खिलाफ हाल में भारत सरकार के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि अगर दूध और दूध से बने प्रोडक्ट में मिलावट पर लगाम नहीं लगाई गई तो देश की करीब 87% आबादी 2025 तक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी और जानलेवा बीमारी का शिकार हो सकती है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? कौन लोग हैं जो कि ये जानते हुए भी इस पर किसी तरह का एक्शन नहीं ले पाते हैं और इसकी सज़ा जनता को भुगतनी पड़ती है, क्योंकि जनता पैसा देती है और वो पैसा देकर ये समझ के कि वो दूध खरीद रही है, लेकिन असल में वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जहर खरीद रहे होते हैं। अगर हमारा ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि ऐसे मामलों में कैसे निपटा जा सके।